डिप करते हैं तो लैंग्वेज डिवेलपमेंट के हवाले से हम आज के टॉपिक में चार अहम थेरीज पर बात करेंगे तो सबसे पहली थेरी है बिहेवियरल सोशल काग्नेटिव लर्निंग थेरी बी एफ स्किनर के मुताबिक द लैंग्वेज इज शेप थ्रू द अपर एंड कंडीशनिंग अपर कंडीशनिंग के ज़रिए लैंग्वेज शेप की जाती है री के जरिए कि जब आप री देते हैं किसी भी एक्शन को परमानेंट करने के लिए तो री उस उस एक्शन को कंटिन्यू करती है लेकिन अगर आप वो री वैनिश कर देंगे तो वो जो एक्शन भी होगा वो भी वैनिश हो जाएगा और आ, फिर इस तरह जो सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थेरी है एल्फर्ड बंदूरा के मुताबिक द चिल्ड्रन लर्न थ्रू लैंग्वेज इमिटेशन वो लैंग्वेज जो है वो नकल के ज़रिए सीखते हैं तो, तो रिसर्च शोस कि जो जो माएँ अपने बच्चों के साथ uh, ज़्यादा मतलब उनकी वोकलाइजेशन को रिस्पॉन्ड करती हैं उनसे बातचीत करती हैं उनके बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज को ज़्यादा जल्दी से सीखते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पोंड करते हैं या उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट तेज़ी से होती है इससे नेक्स्ट थेरी है नेटिविज्म। नॉम चोम्सकी ने जो अमेरिकन लिंग्विस्टिक था 1968 में ये थेरी डेवलप की और उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें इनट सलाहियत होती है लैंग्वेज डेवलप करने की जो लैंग्वेज यानी जो है इंसान को पैदाइशी तौर पर उसके ब्रेन में ये सलाहियत उसको मिली है इन बॉर्न कि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करेगा ये थेरी जो नेटिविज्म थ्योरी में का क्लेम है या नोम चोम्सकी का क्लेम है और इस सिलसिले में वो यूनिवर्सल ग्रामर का सहारा लेता है और उसने कुछ हाइपोथेटिकल ग्रामिटिकल ग्रामिटिकल स्ट्रक्चर्स और रूल्स उसने प्रपोज़ किए जिसने जिसके मुताबिक के लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन ब्रेन में एक यानी जो भी लैंग्वेजेस वो सीखता है या उस जिस माहौल में वो पैदा होता है वो उसको उसके ब्रेन में वो अल्लाह वो सलाहियत उसमें इनबॉर्न रखी है और वो वो डेवलप होती है उसमें ये सलाहियत और वो सीखता है चोम्स की चोम्स की बिलीव्स दैट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर आर इन एट और क्लियरली यानी ये इनबॉर्न हैं और वी डू नाट स्पीक द सेम लैंग्वेज एंड द सेम रूल्स आ, ग्रामर यानी तमाम लैंग्वेज़ के लिए एक जैसे ग्रामर के रूल्स नहीं हैं बल्कि डिफरेंट लैंग्वेज़ के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और सिर्फ माहौल की बात है और मतलब ये है कि उसने अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियत दी है कि ये जो भी वो बातचीत करता है सीखता है डेवलप होती है लैंग्वेज ये उसके ब्रेन में इन सलाहियत है नेक्स्ट जो थेरी है वह इंटरक्शनज़म है इंटरेक्शनज़म इंटरेक्शनिज़म uh, वाले आर्ग्यू करते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल इंटरेक्शन यानी उनके ख्याल से कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बाय बर्थ भी है और साथ साथ सोशल इंटरेक्शन भी है और दे रिफ्यूज दैट द लैंग्वेज लर्निंग इज़ इफेक्टेड बाई डिज़ायर ऑफ द चिल्ड्रन टू कम्यूनिकेट विद अदर्स यानी वो इस बात से इनकार करते हैं कि जो जो बच्चों के की जो लैंग्वेज डिवेलपमेंट है वो दूसरों से बातचीत करने की ख्वाहिश की वजह से डिवेल्प होती है और इंटरेक्शनज जो हैं उनका व्यू है कि वी लर्न लैंग्वेज थ्रू आवर इंटरेक्शन विद अदर्स एंड इट व्यूज लैंग्वेज डिवेलपमेंट इज़ इन सोशल कॉन्टैक्स तो लैंग्वेज डिवेलपमेंट जो हो सोशल कॉन्टैक्स में है और लास्ट थेरी है काग्नेटिव प्रोसेस थेरी आ, वो काग्नेटिव प्रोसेस थेरी वाले बायोलॉजिकल रेडीनेस और इन, सोशल इंटरेक्शन से इनकार करते हैं और उनके ख़्याल से जो लैंग्वेज प्रोसेस है वो क्रंचिंग ऑफ डेटा है और इंसान जो कुछ सीखता है वो जो कुछ माहौल से हासिल करता है वो अपने माइंड में उस के डाटा को क्रंच करता है उसमें उसको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि वो अपने डाटा को प्रोसेस करके फिर वो उससे बातचीत उनकी उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है और ये एक्चुअल प्रोसेस है लर्निंग वर्ड्स देर मीनिंग रिलाइज़ ऑन द कंप्यूटेशनल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ठीक है ह्यूमन ब्रेन और ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है उंडलाइकली हु दैट वन पर्टिकुलर साउंड फॉलो द अनदर साउंड यानी जब एक साउंड को निकालता है तो फिर दूसरी साउंड उसको फॉलो करके हुए वर्ड्स वो बनाते हैं